हेलो माय डियर क्रोशेटकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इस तरह का बहुत ही प्यारा सा एक फ्लावर का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान और इजी टू अंडरस्टैंड इसका ट्यूटोरियल है। वीडियो को पूरा देखें एंड तक, आप इसको आराम से बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए हम 2.5 mm या फिर 3 mm के हुक का यूज़ करेंगे। सबसे पहले अपना धागा लेंगे और एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस मैजिक रिंग में हमें 16 डबल क्रोशेट्स बनाने हैं। इसके लिए पहले हम लोग 3 चेन बनाएंगे और बाद में 15 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। ये हमारे 15 डबल क्रोशेट्स बन गए। उसके बाद ये धागा खींचेंगे और ये सर्कल छोटा कर लेंगे। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। एक चेन बना के ये वाला धागा कट कर लेंगे। अपना दूसरा धागा लेंगे और इसकी एक स्लिप नॉट बना लेंगे। इसे अब किसी भी एक स्टिच में ज्वाइन कर लेंगे। सिक्स चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसे सेम स्टिच में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। थ्री चेन्स बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच स्किप करेंगे और इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। थ्री चेन्स, 1 डबल क्रोशेट इन द सेम स्टिच। अगेन 3 चेन्स, स्किप द नेक्स्ट स्टिच इन टू द नेक्स्ट स्टिच, 1 डबल क्रोशेट। 3 चेन्स इन टू द सेम स्टिच, 1 डबल क्रोशेट। रिपीट दिस पैटर्न एंड कंप्लीट दिस राउंड। ये हमने लास्ट का बना लिया। हमारे पास ऐसे 8 V stitches चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3 chains और थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। 3 chains, 1, 2, 3। ये जो चेन है हमें, इसके ऊपर हमें 7 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 7 डबल क्रोशेट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहली 3 चेन को मिला के टोटल 8 हो जाते हैं। उसके बाद हमें ये जो 1 डबल क्रोशेट था, इसके ऊपर 6 डबल क्रोशेट्स बनाने हैं हमें। इसको ऐसे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। के बाद ये जो स्टिच हमने स्किप की थी, इसके ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। नाउ अब ये जो अगला डबल क्रोशेट है, इसके ऊपर हमें 6 डबल क्रोशेट्स बनाने हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। उसके बाद ये जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर 8 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
1 2 3 4 5 6 7 8 नाउ ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर 6 1 2 3 4 5 6 जो नेक्स्ट स्टिच है जो हमने स्किप की थी यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट देख सकते हैं हमारी पेटल्स तैयार हो रही है इस तरह से ये इस तरह की पेटल एक तैयार हो गई कंप्लीट इसी तरह से हमें बाद में इस पे 6 डबल क्रोशेट 8 डबल क्रोशेट 6 डबल क्रोशेट स्किप किए हुए स्टिच पे एक सिंगल क्रोशेट इसी तरह से हमें टोटल 8 पेटल्स बना लेनी है ये 6 बनने के बाद यहाँ पे जो हमने 3 डबल क्रोशेट बनाई थी इसके टॉप में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे एक चेन बना के धागा कट कर लेंगे ये ग्रीन कलर का यार्न लीजिए और नीचे एक स्लिप नॉट बना लीजिए इसे हम किसी भी एक 3 चेन के स्पेस में कनेक्ट कर लेंगे तरह से अब हमें स्पेस में पहले एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है फिर हमें 3 डबल क्रोशेट्स बनाने हैं 1 2 3 उसके बाद हम एक ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे 3 चेन्स बनाएंगे 1 2 3 और एक पिकोट बनाएंगे इसके बाद फिर से हमें एक ट्रिपल क्रोशेट बनाना है 3 डबल क्रोशेट वन हाफ डबल क्रोशेट यह हमारा एक लीफ कंप्लीट हो गया है इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और ये जो नेक्स्ट 3 चेन है यहाँ पे हमें यही वाला पैटर्न रिपीट करना है 1 half double crochet, 3 double crochet, 1 triple crochet, 3 chain, peacock, 1 triple crochet, 3 double crochet, वन हाफ डबल क्रोशेट सेकेंड लीफ इज कंप्लीट उसके बाद फिर से 3 चेन्स इसी तरह से हमें हर एक चेन्स में लीव्स बनानी है टोटल 8 पत्ते बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बना के कंप्लीट कर लीजिए ये हमारा फूल तैयार है अभी हम इसमें इस तरह से मोती लगाएंगे मोती को लगाने के लिए आप ग्लू गन का या फिर फैब्रिक ग्लू का यूज कर सकते हैं फैब्रिक ग्लू से चिपकाने के बाद इसे 5-6 घंटे सूखने के लिए छोड़ दीजिए आवर ब्यूटीफुल फ्लावर इज कंप्लीट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब